मीरा भाईंदर नगर विस्तार में एक बस स्टॉप नु नाम बांग्लादेश राखवामां आव्युं छे। आ बस स्टॉप उत्तन चौक भाईंदर पश्चिम खाते आवेलुं छे। मळती माहिती मुजब पश्चिम बंगाळथी लोकोना आगमन अने अहींया आवीने वसवाट करवाना कारणे तेनुं नाम बांग्लादेश राखवामां आव्युं छे। आ विषय एक व्यक्तिए जणाव्युं कि आ विस्तारमां पश्चिम बंगाळना केटलाक लोको तेमनी नोकरी अने ખોરાકની શોધમાં અહીંયા જ સ્થાયી થયા છે અને એ પણ જણાવ્યું કે આ સ્થળ મૂળ ઇન્દ્રનગર તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ બાંગ્લાદેશના લોકોના આગમનના કારણે તેનું નામ બાંગ્લાદેશ રાખવામાં આવ્યું છે। મીરા બંદર મહાપાલિકા કે હદ મે બાંગ્લાદેશ નામોના કલોસા બિન લાદેનગર મોહમ્મદ કસાબ નગર યે સબ હમારે દેશદ્રોહીઓ કા નામ જિન દેશો સે હમારી સમજોતા નહીં હૈ એસે દેશો કા નામ કિસી બસ્તી કો દેના યે સબસે બડી દુખદ ઘટના હૈ। ઇસ ક્ષેત્ર મે પિછલે 30-32 સાલ સે નગર સેવક ચુન કે આતે क्यों नहीं उन्होंने प्रशासन के ध्यान में लाया। इसका पहले इंदिरा गांधी जी जब पंत प्रधान थी तब इसका नाम इंदिरा नगर भी था, फिर बाद में कैसे इसका नाम बांग्लादेश हुआ। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में देखना चाहिए कि कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा बांग्लादेश है क्या, कहीं भी नहीं। नगर पालिका तो बस स्टॉप का नाम देती है बांग्लादेश, और इतने में ही उन्होंने झोपड़ा पट्टी के फोटो पास के ऊपर दिया, बच्चों के जन्म दाखिला के ऊपर दिया, टैक्स पावती के ऊपर बांग्लादेश लिखा हुआ, आधार कार्ड जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मानी जाती है उस आधार कार्ड के ऊपर भी अगर बांग्लादेश लिख कर आता है तो भविष्य में पाकिस्तान भी आ जाएगा। कोई भी वो सब बिन लादेन नगर बोलना चालू करेगा, कसाब नगर हो जाएगा। ये प्रशासन के सबसे बड़ा दुर्लक्ष है। ये शहर में इस तरीके का नाम होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। आज यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को कितना बुरा लगता होगा, भाई कहाँ रहता, बांग्लादेश में रहता, मीरा भाईंदर में बांग्लादेश। तो आ किनारे पहलेथी ज भारे माछीमारी होवाथी अहीं माछली पकड़वा माटे बोटमेननी जरूरियात ऊभी थई अने पश्चिम बंगाळमांथी दरિયાકાંઠાના મજૂરો અહીં રહેવા માટે મોટી સંખ્યામાં આવ્યા। તેથી સમયાંતરે આ સ્થળની સ્થાપના થઈ અને તેનું નામ બાંગ્લાદેશ બસ્તી રાખવામાં આવ્યું। 22 સાલ ચાલુ હેલા લેકિન યહાં પે ના જ્યાદા કરકે બાંગ્લાદેશી બોલતે હૈ ઓર બહાર કે પર્યટન ઘૂમને આતે ના વો ભી ઇન લોકો બોલેગા ના બાંગ્લાદેશ તો ઇન લોકો લગતા હૈ કે જો બહાર વાલા બાંગ્લાદેશ હૈ ના અપના પાકિસ્તાન યે સાઇડ કા ઇન લોકો યે બાંગ્લાદેશ કા નામ લગતા હૈ ઇધર तो ज्यादा करके और डॉक्यूमेंट पे भी आधार कार्ड और पैन कार्ड पे भी बांग्लादेशी नाम करके है, तो प्रशासन ने ना चेंज करना चाहिए नाम। आंदोलन किया था लेकिन नगर सेवक और गांव के पुलिस पार्टी लेना इन लोग सब लोग गाँव वाले मिल के आंदोलन किया था लेकिन ना अभी तक प्रशासन ने चेंज नहीं किया है। अचानक वापिस इधर बोर्ड लगाया बांग्लादेश का, हाँ, तो उसके बारे में हमको कुछ जानकारी भी नहीं, हमको कुछ कुछ भी कुछ बताया भी नहीं। ऑलरेडी पहले से इंदिरा नगर नाम था, वो नाम से हम लोग जानते थे ऐसा। अभी बाद में अचानक इन्होंने पेपर में कैसा किया वो हमको मालूम नहीं, और आज हम देख रहे तो पेपर में आया तो इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि राशन कार्ड का नाम है, जो आधार कार्ड का नाम है, जो टैक्स पावती है, जो बाकी जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं सब में बांग्लादेश है, तो कैसा लगता है? नहीं, वो बांग्लादेश नाम यहाँ की यहाँ से वो बहुत डिफरेंट लग रहा है। यहाँ का बांग्लादेश तो नाम बांग्लादेश कहाँ गिरा है? अगर हम किसी को भी बोलेंगे कि हमको बांग्लादेश जाना है तो दूसरे कोई हमको किधर लेके जाएगा वो मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इंदिरा नगर रहेगा वो गाँव खेड़े के हिसाब से वो इंदिरा नगर एक ठीक है बराबर, वो बांग्लादेश बोलेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बांग्लादेश क्या है, कहाँ का नाम है। बांग्लादेश तो आउट ऑफ कंट्री का है बराबर ना, जो बंगाल वाला बांग्लादेश ऐसा ही है। तो हमको बांग्लादेश नाम पसंद नहीं है, हमको जो हमारे इंदिरा नगर है वही हमको चाहिए।